हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं आ गया हूँ बांद्रा बाड़ी स्टैंड घूमने के लिए, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और सभी ज़्यादातर हीरो यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए। अभी मैं हूँ बांद्रा बाड़ी स्टैंड के बांद्रा फोर्ट के पास में। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज है। ये अभी यहाँ का टाइम हमारा लगभग 4 बज रहे हैं। यहाँ पर धूप है और लहरें समुद्र की बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, काफ़ी ऊँची उठ रही हैं। और यहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये इधर है बांद्रा फोर्ट और सामने जो है बिल्डिंग ये दिख रही है, ताज होटल है ये। अभी हम चलेंगे, यहाँ पे अंदर जाना दरअसल मना है, तो अभी हम चलेंगे उधर। यहाँ पर हैं सलमान खान, शाहरुख खान का घर है, उधर चलेंगे। तब तक इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर लग रही है और देखो आप कितना ज़्यादा यहाँ पर लहरें उठ रही हैं, लंबी इधर सब दिख रही हैं। धूप में भी यहाँ पर अच्छी खासी ठंडी हवा लगती है। अगर बाहर से आएंगे आप तो यहाँ पर गर्मी लगती रहती है, तो यहाँ ठंडी लगने लगती है, ठंडी हवा चलती है, बहुत मस्त नज़ारा रहता है यहाँ पर। यहाँ पर अभी 5 बजे से वैसे बंद ही हो जाती है, कोरोना की वजह से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो फोटो वगैरह सब ले रहे हैं, लड़के वगैरह जो हैं सब फोटो ले रहे हैं। अभी हम चलेंगे इधर, चलो चलते हैं इधर चलेंगे। चलिए भाई, मैं आप सभी को ताज होटल का पास से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये ताज होटल, ये वो नहीं समझेगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया का नहीं, ये दूसरा है, ये मैन स्टैंड में जो है ये है वो ताज होटल है, आप देख सकते हैं। ये है बांद्रा फोर्ट के जस्ट बगल में, और अभी इस साइड में है, इधर सब है घर हीरो वगैरह के हैं। यहाँ पे ये आउट है का गेट है, उधर इनका है। यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं, उधर देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे पार्किंग है पूरी। अभी मैं चल रहा हूँ आगे उधर। यहाँ पे भाई साहब जितनी भी गाड़ियाँ आप देखेंगे सब लग्जरी गाड़ियाँ ही मिलेंगी आपको। ये है भाई साहब सुल्तान नाथनी चौक, इसके जस्ट सामने इधर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर है ये शाहरुख खान का बंगला। यहाँ पे देखो इनके फैंस वगैरह जो है फोटो ले रहे हैं यहाँ पर अपना, सब गजब प्रकार से। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है शाहरुख खान के घर, दिख रहा होगा। मैं अभी दिखाता हूँ अच्छे से जूम करके आप लोगों को। मन्नत स्लैंस इंड नाम रखा है, मन्नत इनकी मन्नत का, उन्होंने मन्नत मानी थी इसलिए यहाँ लिया था। ये है मन्नत लैंड्स इंड भाई साहब, इस इसके इधर भी जो सब ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग है संजय दत्त की, इसमें 6th फ्लोर पे संजय दत्त रहता है।
और इसके और उस साइड में है, उधर है जॉन इब्राहिम वगैरह सबका बिल्डिंग वगैरह है यहाँ पे। ये इसके जस्ट सामने इधर अरब सागर पूरा टोटल, यहाँ पे अच्छी खासी क्लीनिंग वगैरह जबरदस्त है। अभी आगे वहाँ पे खाली पानी काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ खाली नहीं यहाँ पर काफ़ी लगभग 50 मीटर तक यहाँ पत्थर दिखते रहते हैं पूरा काले काले, लेकिन अभी पानी यहाँ पे फुल आ रहा है पूरा भरा भरा सा। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ पे, ये है मुंबई इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। अभी मैं चल रहा हूँ थोड़ा समुंदर के साइड में, ये यहाँ पे सभी लोग फोटो लेते हुए दिख जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर काफी गजब का नजारा अभी। दरअसल यहाँ पे क्या है कि इस टाइम से थोड़ा सूरज डूबने का टाइम रहता है ना, तो यहाँ पे गजब का नजारा रहता है, लेकिन कि अभी 5 बजे से यहाँ हो जाएगा बंद टोटली, ये सब भगाने लगते हैं। देखो वहाँ पे लहरें काफी तगड़ी तगड़ी आ रही हैं लहरें। काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं यहाँ पर। इसके पहले मैं आया था यहाँ पर, एक आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2018 में जब यहाँ पे आया था तो अपने दोस्तों के साथ में आया था, तो यहाँ पे काफ़ी पानी वगैरह नहीं था, खाली था उधर सब उस साइड में। वहाँ पे अभी क्या है, जब पत्थर के आड़ में सब कपल्स वगैरह जो अपने गर्लफ्रेंड वगैरह लिए रहते हैं ना, बैठे रहते हैं। मैं ऐसे मस्ती में एक कांच का बोतल लिया था और उसी इस साइड को फेंक के मार दिया था, और उसी जस्ट सामने उधर दिख नहीं रहा था खंदक में बैठे थे दो कपल, बच गए। वो कांच फूटा, आवाज़ किया, जब कांच की आवाज़ हुई तो सब पूरा सन्न रह गए। देखते देखते ऐसी लगी, शाम के टाइम था उस टाइम, थोड़ा था शाम में सूरज डूब चुका था, अच्छा मौसम था तो, लेकिन बच गए थे हम लोग भाई साहब वहाँ पे उस दिन, नहीं तो फिट जाते हैं। तो अभी ये पूरा पानी यहाँ पे फुल भरा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों को उधर शाहरुख, इसमें 6th फ्लोर पर संजय दत्त रहते हैं, और इसके उस साइड में है उधर है जॉन अब्राहम का घर है। ये यहाँ से दूर से देख सकते हो शाहरुख खान का बंगला उधर दिख रहा है। उसी लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आएंगे ना, तो आपके ये सामने बिल्डिंग गिर गई जिसमें ऊपर रेड कलर का कलर हुआ है। ये है जॉन अब्राहम की बिल्डिंग, जॉन अब्राहम इसमें रहते हैं, और इसके जस्ट बगल में जिसमें ऊपर तमाम फूल वगैरह लगे हैं, काफ़ी हरियाली है, वो है अनिल कपूर की साली का घर। और यहाँ पर भी एक एयरफोर्स का विमान भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी गार्डन वगैरह फूल पत्ती वगैरह यहाँ का है, क्लीनिंग बहुत गजब लेवल की है। तो जस्ट सामने पूरा समंदर इधर, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। ये भाई साहब आपको सब सामने दिख रहे होंगे, बांद्रा में जो भी गर्लफ्रेंड वगैरह लेके आते हैं कपल्स रहते हैं सभी इधर अपना मूड बनाए रहते हैं हमेशा। देख सकते हो आप इधर सब वो लगे पड़े हैं, दाबने में जुटे हुए हैं, मजे कर रहे हैं सब यहाँ पर, सब अपनी अपनी देखो जूम करने पर यहाँ पर जितने हैं सब अपनी अपनी प्रेमिकाओं को लेकर बैठे हुए हैं सब, ज़्यादातर ओपनली सब कुछ यहाँ पर चलता रहता है भाई। जूहू वगैरह में तो लेवल एरिया है, वहाँ पे कम दिखाई देते हैं, साइड में रहते हैं, यहाँ सब सामने ही अपना कार्यक्रम शुरू किए रखते हैं। सिंगल यहाँ आना तो चूतिया बनती है, डबल नहीं है तो मज़ा नहीं आता है यहाँ पे आने में।
दोस्तों इधर गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का घर भी मैं इधर घूमते घूमते आ गया हूँ। आखिर आखिर में शुरुआत में ही है एकदम। अगर आएंगे आप ना स्टैंड इधर बांद्रा बैंड स्टैंड, तो ये स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्हीं घर पड़ता है सलमान खान का ही, और फिर उसके बाद घर सब पीछे हैं। ये स्टार्टिंग में है, इसमें आपको उधर दिख रही होगी बालकनी है, ये केला के पेड़ वगैरह जो है उसके जस्ट पीछे जो बालकनी है वहाँ पर सलमान खान जब भी कोई अपनी फिल्म वगैरह रिलीज करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, अपने फैंस वगैरह से सबसे बाय बाय करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से वापस भाई, इस साइड में है ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट, इसमें इनके फादर वगैरह इनके सिस्टर वगैरह सब रहते हैं यहाँ पर। चलिए मैं पास से थोड़ा दिखाता हूँ गैलेक्सी अपार्टमेंट का। ये है यहाँ पे गैलेक्सी अपार्टमेंट भाई साहब, ये है बिल्डिंग पूरी, इसी में रहते हैं सलमान खान। यहाँ पर ये प्रोटीन्स वगैरह लिए उनकी बॉडी वगैरह बनाने के लिए फेमस तो है ना यहाँ पर है। अब चल रहे हैं मैं वापस भाई साहब इधर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले नए व्लॉग में, कहीं घूमने चलते हैं तो आई गेस मैं या तो जुहू जाऊंगा इसके बाद में, या फिर जाऊंगा माहिम दरगाह। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।